तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जैसा कि आपने इस बार थंबनेल पे लिखा है, आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे टॉपिक, ऐसे नीज जिन पर अगर आप यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट करते हो, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल उस टॉपिक पर बनाते हो, जो टॉप 5 टॉपिक्स और नीज आपको बताने वाला हूँ, तो आपके जो चैनल की ग्रोथ है इस समय लॉकडाउन के पीरियड में वो बहुत ही अच्छी होगी। ऐसे टॉप 5 नीज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे भी वो भी अपनी किसी भी YouTube चैनल को क्रिएट कर सकें इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो अपनी पहला टॉपिक आता है, पहले जो नीश आती है YouTube चैनल क्रिएट करने के लिए, अच्छी अर्निंग करने के लिए, वो है भाई इस समय में ऑनलाइन एजुकेशन। आप सबको पता है कि सभी बच्चे, पूरे भारत के बच्चे, 90% बच्चे आज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन सारे स्कूल्स बंद हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि अब ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। वो यूट्यूब पर आ चुके हैं और वीडियोज़ बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी अब टॉपिक ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। जैसे क्लास 10th की अगर आप बोर्ड्स की बात करें तो अच्छे अच्छे टॉपिक सर्च हो रहे हैं और उन पर व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप भी कुछ ऐसा चैनल बनाइए जो आप ऑनलाइन एजुकेशन में सिखा सकें। आप कोई भी मैथ की किताब को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर ऐसे जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसे आप भी वीडियोज़ बना सकते हो और ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू अर्निंग कर सकते हो इस लॉकडाउन के पीरियड, जिससे आपको भाई बहुत ही अच्छी अर्निंग होगी और आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे यूट्यूब के द्वारा। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो और ढेर सारा पैसा इधर से कमा सकते हो। तो भाई आप ऑनलाइन एजुकेशन अगर आप पढ़ा सकते हो कुछ भी, अगर आप कुछ भी सिखा सकते हो, तो भाई आप ऑनलाइन एजुकेशन का जरूर से जरूर चुनाव करें। और भाई अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन का चुनाव करते हैं और वीडियो सुनाते हैं और आपको कुछ अच्छा रेस्पॉन्स आता है, तो आप इस वीडियो पर आकर जरूर एक बार कमेंट करें कि हमें कुछ इससे फ़ायदा हुआ, जिससे कि और लोगों को भी इससे इंस्पिरेशन मिले। तो अब चलते हैं हमने दूसरी नीश की ओर। तो दोस्तों, जो अपना दूसरा नीश आता है वो है न्यूज़ का। अगर आप एक न्यूज़ चैनल बनाते हो इस समय, तो न्यूज़ चैनल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि भाई अभी आपने 2-3 दिन पहले सुना था कि हिंदू और जो चाइना है उसमें भाई अभी लड़ाई हो चुकी है, उसमें 3 हिंदू शहीद हुए। तो भाई आप अगर आप कुछ ऐसा बनाते हो कि उसमें न्यूज़ आप डाल सको, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की अभी सुसाइड का एक न्यूज़ आई थी, तो भाई आप भी कुछ ऐसी चैनल बनाओ जिससे भी आप उसमें न्यूज़ शेयर कर सको। और न्यूज़ चैनल बनाना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, आपको सिंपल एक इंट्रो यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना है, म्यूज़िक डाउनलोड कर लेने हैं और अपनी न्यूज़ को माइक के थ्रू रिकॉर्ड कर करके आपको यूट्यूब चैनल पेस्ट कर देनी है अपनी आवाज़ को। तो भाई आपको अपनी माइक को रिकॉर्ड करके आवाज़ डालना है और आपका एक न्यूज़ चैनल आपका आराम से क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही सरल है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हाउ टू स्टार्ट अ न्यूज़ चैनल इन यूट्यूब। तो भाई आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपको अच्छा सा नॉलेज देंगी न्यूज़ चैनल के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़ कैसे, मतलब न्यूज़ चैनल पर आप अगर वीडियोज़ बनाते हो तो आपको अच्छा इधर से सब्सक्राइबर गेन और व्यूज़ मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जो अपनी तीसरी कैटेगरी में जो अपना नीश आता है वो है भाई ऑनलाइन अर्निंग या मेक मनी ऑनलाइन, आप कुछ भी कह सकते हो। जो ऑनलाइन अर्निंग और मेक मनी ऑनलाइन जो ये कैटेगरी है, आज ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत ग्रो कर रही है, क्योंकि भाई आज सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है, हर दुकान ऑनलाइन हो रही है। अब तो जियो ने भी अपना जियो मार्ट निकाल दिया है, तो सारे किराने वाले भी ऑनलाइन जा रहे हैं, सब ऑनलाइन हो रहा है। तो भाई आप भी ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, आपको बस ये सर्च करना है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। और आप अगर ऑनलाइन अर्निंग करते हो तो भाई आप यूट्यूब पर आ जाओ और यूट्यूब पर सिखाओ कि कैसे यूट्यूब से भाई अपने ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको और वीडियोज पे चाहिए कि और भाई ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो मैं भी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में वीडियो डालते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, और नहीं तो पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाई वीडियो को पूरी देख रहे हो तो आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑनलाइन अर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी ऐप का रिव्यू दे सकते हो, अनबॉक्सिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। भाई आप ऑनलाइन अर्निंग की कोई ऐप सजेस्ट कर सकते हो, टॉप 5 ऐप्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग, या फिर कोई वेबसाइट बता सकते हो जिसकी वजह से आप ऑनलाइन अर्निंग करवा सकते हो। तो भाई आप भी कर सकते हो, दूसरों को भी करवा सकते हो ऑनलाइन अर्निंग। तो भाई आप ऑनलाइन एजुकेशन का चुनाव ऑनलाइन अर्निंग का चुनाव इस तीसरी कैटेगरी में कर सकते हो। तो आप चलते हैं अपनी चौथी नीश की ओर। तो दोस्तों, जो अपनी चौथी नीश आती है, चौथा जो कैटेगरी आता है वो है हेल्थ। आप सबको पता है अब हर इंसान को हेल्थ के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए, उसको चाहिए कि भाई मेरी कैसे भी करके इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, जिससे कि भाई वो कोरोना से अपना बचाव कर सकें, कोविड-19 से अपना बचाव कर सकें। इम्यूनिटी बूस्टर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब आप यूट्यूब पर सजेस्ट कर सकते हो लोगों को कि ये अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर लेते हो तो आपकी ग्रोथ हो सकती है आपकी इम्यूनिटी में। तो भाई आप भी अपना एक हेल्थ चैनल खोलिए, उस पर अच्छी अच्छी रेमेडीज और रेसिपीज खाने की या कुछ भी तरह की कुछ हेल्थ के रिलेटेड सर्च करके
और भाई यूट्यूब पे आप अपनी वीडियोस को पब्लिश कीजिए, जिससे कि भाई आपको जो हेल्थ का चैनल है वो भी अच्छे से ग्रो हो। आप कुछ ऐसा बता सकते हो, लोगों को कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो जो कि भाई वो अपने घर से स्टार्ट कर सकें। ऐसा नहीं कि कुछ बाहर का करना पड़े, आप कुछ ऐसा रिसर्च करके ढूंढो कि भाई आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो, अपने घर से ही सब कुछ सामान मिल जाए हेल्थ के रिलेटेड जो भी उनको चाहिए भाई। और भाई आप भी अपने हेल्थ चैनल खोल सकते हो और बहुत ही अच्छे, जो अब आप देखोगे कि हेल्थ चैनल में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप भी अपने हेल्थ चैनल खोल के उसमें भी बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने पांचवी नीश की ओर। तो दोस्तों जो अपना पांचवा जो नीश आता है, टॉपिक आता है, वो है कुकिंग। क्योंकि भाई कुकिंग आजकल आप सब देख रहे हो, आजकल हर घर में चली भी रसगुल्ले और जाने क्या क्या बन रहा है। आप भी अपने कुकिंग चैनल बना सकते हो, आप भी भाई कुछ ना कुछ कुकिंग करके अपने यूट्यूब पर पब्लिश कर सकते हो और बहुत ही अच्छी कुकिंग में आप अपना एक करियर बना सकते हो। क्योंकि भाई कुकिंग का कभी बंद नहीं होगा चैनल, आप कुछ भी हो जाए क्योंकि कुकिंग खाने की चीज़ है तो भाई हमेशा चलती रहती है। आप भी अपना कुकिंग में अपना एक करियर बना सकते हो, कमाई कर सकते हो। आपको कुछ करना नहीं है, आपको ऐसे गूगल पर सर्च करना है ये रेसिपीज, आपको सर्च करनी है किसी भी खाने की, या मटर पनीर जैसे आपको बनानी है तो उसको रेसिपी सर्च करनी है, फिर आपको उस आर्टिकल को पढ़ के आपको अपनी वीडियोस बना देनी है, जिससे कि आपको भाई ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े और कुकिंग में भी आप एक कैरियर बन जाए। आपको बहुत सारा कंटेंट, आपको गूगल पे, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप अपनी रेसिपीज भी बना सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो कि कौन सी चीज़ कितनी टेस्टी लगती है। आप अपना कुछ नाश्ता खाना सब कुछ बना सकते हो और भाई यूट्यूब पे शेयर कर सकते हो। और भाई अगर आपका चैनल ग्रो कर जाता है तो भाई आपको अच्छी खासी अर्निंग भी होगी। तो भाई यही था इस वीडियो के अंदर, आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। मिलती है अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।